उत्तर भारत इस समय प्रचंड गर्मी की मार झेल रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है कि आम जनजीवन इससे खासा प्रभावित होता नजर आ रहा है। हमारी मौजूदगी इस समय वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर है, जहां पर शहर के साथ साथ दूसरे जनपद से भी लोग अपने परिजनों के शवदाह के लिए पहुंचते हैं। वैसे आम दिनों की तुलना में बात कर लें तो यहां थोड़ी भीड़ ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये देखें, ये वाराणसी का मणिकर्णिका घाट है, जहां दूर दराज से लोग अपने परिजनों के शवदाह के लिए पहुँचते हैं। खासतौर पर इस समय जो गर्मी की मार है वो झेल रहे हैं, और अभी की तापमान की बात कर लें तो तकरीबन 38 से 39 डिग्री तापमान बताया जा रहा है। हालांकि आज की स्थिति थोड़ा वाराणसी की अलग है, क्योंकि अगर दिनों की बात कर लें तो जो पारा था वो 45-46 डिग्री से भी ऊपर था। ये घाट का स्थिति है। यहाँ पर ही लोग जो अपने परिजनों के शवदाह के लिए इंतजार भी करते हैं। हालांकि अभी की क्या कुछ स्थिति है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, कहाँ से आप आ रहे हैं? हम तो जौनपुर से आ रहे हैं। जौनपुर से, हाँ। अभी आज की अगर बात कर लें तो आज क्या स्थिति, क्या पहले से भीड़ लग रही है यहाँ पर, कैसे, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पहले से लोग बता रहे हैं कि ज़्यादा ही चल रहा है। पहले से यहाँ ज़्यादा चल रहा है दिक्कत। अच्छा, लकड़ियों के दाम की बात कर लें, आम लोगों के जो सामग्रियाँ इस्तेमाल होती हैं अंतिम संस्कार में, उसके दाम में कोई बढ़ोतरी? उसमें दाम में बढ़ते लोग बता रहे हैं, उसका दोगुना लोग बता रहे हैं। दोगुना हो रहा है। आठ दिन पहले हम ले आए थे यहाँ पे, 4400 रुपये दिया, और वही आज जो है 8000 पे हुआ। आठ दिन आठ दिन पहले आया था तो 4400 में जलाया, आज जलाने आया तो उसी चीज का 8000 ले रहे हैं। दुगना है। दिक्कतों का भी काफी, अरे काफी दिक्कत तो है ही है। सौ जलाने आए हैं हम लोग तो हम लोग तो वैसे परेशान हैं, एक का दो देना पड़ रहा है तो तकलीफ तो है ही। एक तो हमारे परिजन गए हुए हैं वो दुख है, दूसरे सबसे बड़ा दुख यहाँ हो गया, एक का दो लग रहा है तो तकलीफ की बातें है श्रीमान जी। लकड़ी भी महंगी हो गई। इसके अलावा अच्छा, ये भी सूचना आ रही थी, क्या पहले भी मिल रही थी कि कुछ घंटे तक इंतज़ार भी करना पड़ा था? हाँ, आज के 2-3 दिन पहले 12 से 24 घंटे तक वेट करना पड़ा। सौ के साथ उनके जो परिवारजन थे इंतज़ार करना पड़ा। अच्छा। लेकिन ये बारिश होने के वजह से मृत्यु दर लगभग 60% कम हो गया। 60% आज के डेट में जी। हालांकि जब ABP न्यूज़ ने वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बातचीत की कि गर्मी और हीटवेव की वजह से कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो उनका कहना है कि 6 लोगों की मृत्यु हुई है, बाकी सामान्य मौत है। लेकिन निश्चित ही जो जैसा कि ये लोग बता भी रहे हैं कि जहां इस घाट पर चाहे लकड़ियों की बात हो या अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्रियां हो, वो महंगी हो चुकी है। और भीड़ भी हम आपको दिखा दें कि सामान्य दिनों की तुलना में अधिक भीड़ देखने को मिल रही है। और ये जो परिजन हैं अपने परिजनों के शवदाह के लिए जो आए हैं वो अलग अलग जनपद से आए हैं। चलिए कुछ और लोगों से हम यहाँ पर जुड़ेंगे, बात करेंगे। बाबा, आप भी आए हैं परिजन के शवदाह? जी, हम भी साथ में आए। अच्छा, कहाँ से? हम भदोही से आए, सूर्यामा से। क्या स्थिति यहाँ पर लग रही है पहले से? ना, पहले से तो 2 दिन पहले की अपेक्षा देखे तो आज कम है थोड़ा। आज कम है जी। सामान भी महंगे? सामान तो महंगे हैं, क्योंकि एक हफ्ते पहले हम आए थे तो 4400 रुपये हमारे यहाँ लगा था, अभी आज तो 8000 रुपये मांग। 8000 जी? 8000 में भी बहुत ज़्यादा। सिफारिश करने के बाद बहुत ज़्यादा सिफारिश किया गया, नहीं भाई, दूर से आए हैं, मजबूरी है, बात चुके हैं यहाँ पर, अपनी व्यवस्था हम 4500-4400 करके आए थे जो पिछले हफ्ते में हुआ था, लेकिन आज जो है उसका डबल देना पड़ रहा है। जो भी है, हर चीज़ के बता रहे हैं वहाँ पर, घाट के लिए अलग खर्च हो गया है, अब ज़्यादा ले रहे हैं लोग, घाट वाले जलाने वालों का ज़्यादा है, लकड़ी का पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, परेशानी तो बहुत हो रही है। घाट की फीस भी बढ़ा दिए हैं, घाट की यहाँ जो जलाते हैं इसका फीस भी बढ़ा दिए हैं, उसको वो भी एक का दो ले रहे हैं। बताइए कैसे हम लोग यहाँ आए और कैसे हम लोग सौ को फूकेंगे यहाँ पे। आदमी वही पुराना सोच रहा था कि भाई इतने में हम निपट जाएंगे, और यहाँ आके चूतिया बन गया। बहुत सिफारिश करने के बाद इतने में तय हुआ है 8000 में। देखिए, ऐसे में जो परिजनों के सामने ये दोहरी चुनौती है कि किस तरीके से इस विपरीत परिस्थितियों में, इस विपरीत माहौल में ये संतुलन बनाया जाए और जो खर्च होता है अंतिम संस्कार में उसका निर्वहन किया जाए। भाई साहब, आप कहाँ से? हम बिहार भाई कैमूर से हैं। अच्छा, परिजन के शब्द? हाँ, लाए थे बड़े पिताजी को। दुखद है, ये बताइए क्या कुछ यहाँ पर आपको स्थिति समझ में आ रही है? पहले से बहुत मुश्किल जैसा स्थिति हो गई है।
एक तो सबसे बड़ी बात है कि लकड़ी का बहुत बड़ा शॉर्टेज हो गया है, और शॉर्टेज होने के कारण इतनी महंगी हो गई है कि पहले आदमी 5 से 6 हज़ार में काम करता था, आज 10 से 12 हज़ार रुपये लग रहा है, और उसमें भी उतना पैसा देने के बाद भी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो बाद भी लकड़ी 7 मन 5 मन ऐसा कुछ बोलकर लोग दे रहा है, तो पहले से स्थिति ठीक नहीं है, खराब ही है। अच्छा, गर्मी का प्रभाव खासा देखा जा रहा है? गर्मी का प्रभाव तो है ही ना, गर्मी का प्रभाव है और इसके वजह से भी और तकलीफ है। बिल्कुल, देखना होगा कि आम लोगों को इससे कब तक राहत मिलती है, लेकिन प्रचंड गर्मी और चिलचिलाती धूप की वजह से जो लोगों की समस्याएं हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।